हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में अपना पूरा ब्लॉगिंग सेटअप दिखाने वाले हैं और जो मेरा ब्लॉगिंग का जो पूरा सेटअप है इस बैग में पूरा ला के रखा हुआ है। और आज के इस वीडियो में ना हम आपको ये भी बताएंगे कि मैं आखिरकार अपने ब्लॉग बनाने के लिए कौन सा मैं फ़ोन यूज करता हूँ या फिर कौन सा कैमरा यूज करता हूँ, कौन सा ट्राइपॉड यूज करता हूँ, कौन सा माइक यूज करता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको पूरा रिवील करने वाले हैं और जो भी चीज़ मैंने पूरा परचेज किया है सब यूट्यूब के मनी से किया है। और घर पर रिकॉर्डिंग अच्छा से ना कर पाता इसलिए मैं घर से दूर जो नैनी का ब्रिज है प्रयागराज का उसके यहाँ पे घाट के पास खड़े हुए हैं। और हमारे साथ मेरे बड़े पापा के लड़के हर्षित भाई हैं, तो जो कि हमें हर्षित भाई की ज़रूरत पड़ेगी इस वजह से मैंने उनको साथ लाया है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा कि मैंने क्या क्या यूट्यूब के मनी से लिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल इस बैग में जो भी सामान है ना एक एक करके हम बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मेरा ब्लॉगिंग का सेटअप मैंने क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ। अपने पूरा सामान पहले बाहर निकाल लेते हैं बैग में क्या क्या है। तो फिलहाल अभी बैग में ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक हमारे पास एक चीज़ और आता है जो कि हमारा ये जो कि डिजिटेक का LW550 हमारे पास ये ट्राईपोर्ट है। और इसका डब्बा मैंने घर पर छोड़ दिया क्योंकि डब्बा बहुत ही बड़ा था, तो मैंने इसको सोचा कि चलो कोई बात नहीं ऐसे मैंने इसको देख सकते हैं आप। तो फिलहाल दोस्तों मेरे बैग में जो भी सामान था मैंने एक एक करके सबको मैंने बाहर निकाल लिया। और इसमें से मेरे पास क्या क्या सामान बाहर निकला है, सबसे पहले तो ये डिजिटेक का LW550 मैंने ट्राईपोर्ड लिया था। उसके बाद मैंने जो दूसरा चीज़ लिया था एक स्लोविक का माउंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और हालाँकि इस माउंट को ना अपने मोबाइल को इसे होल्ड करके इस पर सेट करके जो है अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ आता है यहाँ पर जो है बोया का माइक आता है, तो ये माइक अभी मैं लगा करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी किस फोन से मैं अपनी वीडियो को शूट कर रहा हूँ ना आगे आपको वो भी बताएंगे और दिखाएंगे भी मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ व्लॉगिंग बनाने के लिए। मैंने एक यहाँ पे यूलांजी का मैंने ट्राईपोर्ड लिया है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और इन सब का मैं आपको सब का ना अभी प्राइस बताऊँगा कि मैंने कौन सा चीज़ मैंने कितने में ख़रीदा है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर जा करके आप परचेस कर लेना अगर करना हो तो। यूलांजी का MT34 है मॉडल है और ये 360 डिग्री ना ये रोटेट हो जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने इसको बहुत ही रिव्यू दे करके तब मैंने इसको परचेस किया था, देख सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये भी मिलता है कि अपना जो शॉटगन माइक है यहाँ पे बोया का MN1 माइक है ना, तो इसको मैंने ब्लॉगिंग सेटअप के लिए मैंने अपना जो है इसको लिया था। और इसको भी बाहर निकाल करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है फिलहाल। तो चलिए दोस्तों इस माइक को अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि इस माइक में हमें क्या क्या चीज़ मिलता है। तो इस बॉक्स को तो मैंने ओपन ही कर लिया है, तो ये बॉक्स रहा, हम बॉक्स को ऐसा साइड रख देते हैं। और तो आप लोग देख सकते हैं इस माइक में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो हमें ये माइक मिलता है जो कि शॉटगन माइक है, और ये इसका डेड कैड है जो कि वेंटिलेशन के लिए नॉइस कैंसिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा ये माना जाता है, तो फिलहाल इसको साइड रखते हैं। और हमें क्या मिलता है, एक माउंट मिलता है इस माइक को होल्ड करने के लिए जो अभी हम ट्राईपॉड में करके आपको दिखाएंगे, तो इसको भी साइड रख लेते हैं। और इसमें हमें दो केबल मिल जाती है, दो वायर हमें मिल जाते हैं जो कि हमें एक जो है फ़ोन के लिए हमें मिल जाता है, और दूसरा जो हमें मिलता है ये DSLR या फिर कैमरे के लिए हम इसको लगा करके शूट कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे सिलिका मिल जाता है कीटाणु से बचाने के लिए इस माइक को। और हमें यहाँ पे कैरी करने के लिए यहाँ पे हमें एक पाउच मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये माइक जो है हमारा दोस्तों इसको वेंटिलेशन को हम निकाल सकते हैं जो कि नॉइज़ काफ़ी रिड्यूस कर देता है। और ये शॉटगन माइक है जो कि काफ़ी अच्छा माइक है, अगर आप सामने से बोलते हैं ना तो एकदम काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये साउंड रिकॉर्ड करता है, जो पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइज़ होता है ना काफ़ी हद तक ये कैंसिल कर देता है। तो ये डुप्लीकेट भी आता है, अगर आपको ये बॉक्स में मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको ये ओरिजिनल माइक मिला है। और यहाँ पे जो मैंने यूलांजी का जो मेरा ये है ट्राईपोर्ट है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो कि हमें दे देता है। सबसे पहले ऑप्शन तो हमें ये देता है कि 360 डिग्री इसको हम रोटेट कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ हमें ये मिल जाता है कि इसमें जो है माइक अटैच कर सकते हैं अपना, यहाँ पे जो कोल्ड माउंट शो दिया ना इसको हम अटैच करके अपना बोया का MN माइक हम यहाँ पे अपना लगा करके यूज़ कर सकते हैं। और हमें तीसरा चीज़ जो इसमें मिलता है ना हमें देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फी स्टिक भी है, तो इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इसको हम जैसे कि अगर हमें कुछ ऊपर का अगर शॉट लेना है तो उसको हम बड़ा करके भी कर सकते हैं। और हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है कि इसको हम एज जैसे कि ट्राईपॉड के तौर पर भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहीं भी इसको रख करके हम या फिर टाइम लैप्स कर सकते हैं या फिर खुद का भी अपना रील शूट बना सकते हैं। तो चलो अब इसको हम सेटअप करके दिखा देते हैं कि आखिर इसको सेटअप करना कितना आसान है। तो सेटअप करने के लिए क्या करना है, इसमें जो ये माउंट है ना इसको हम ऐसे होल्ड कर लेंगे, इसको अच्छे से कस लेंगे, टाइट कर लेंगे। और बाकी जो हमारा ये जो ट्राईपॉड है ना इसमें फंसाने के लिए देखिए इसमें ऑप्शन है, तो क्या करें हम इसको ऐसे फंसा लेंगे, देख सकते हैं। इसको फंसाने के बाद हम इसको यहीं पे स्क्रू दिया है, तो इसको नचा करके हम इसको टाइट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा ये एकदम टाइट हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना कैमरा भी लगा सकते हैं इसमें आप, और इसमें हम ना अपना मोबाइल भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो अभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ मैं फ़ोन को ही सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपना फ़ोन यहाँ पर होल्ड कर लिया है, और होल्ड करने के बाद क्या करना है ना यहाँ पर एक वायर मिलता है जिसमें आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, एक तो ये वाला ऑप्शन हमारा
फ़ोन में जाएगा, और ये वाला जो वायर है इसको हम यहाँ माइक में लगा देंगे, और ये हमारा बन गया पूरा ब्लॉगिंग सेटअप, देख सकते हैं। अब ऐसे करके ना हम ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा हमारा ब्लॉगिंग सेटअप बन गया है। और इसको हम अगर उठाना चाहें तो ये बड़ा भी कर सकते हैं, इसको हम चाहे जैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। और इस तरह ना ब्लॉगिंग सेटअप हमारा ये बन जाता है, और इससे हम काफ़ी अच्छी अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा है। और देख सकते हैं मेरे पास ये सैमसंग का फ़ोन है, और इसी फ़ोन से मैं अपना ब्लॉगिंग पूरा बनाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरा ब्लॉगिंग सेटअप यहाँ पे रेडी हो गया, अभी इस तरह से हम अपना ब्लॉगिंग अपना बना सकते हैं, देख सकते हैं कैसा है। तो फाइनली दोस्तों आपको पता चले गया हो कि आखिरकार मैं अपना यूट्यूब पे वीडियो जो बनाता हूँ मैं किस फ़ोन से बनाता हूँ, किस कैमरे से बनाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सैमसंग का मेरे पास फ़ोन है, जिससे भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सैमसंग का S62 मॉडल है, और इसी से मैं अपना यूट्यूब का वीडियो अभी शूट करता हूँ, सारा कुछ मैं इसी करता हूँ, चाहे एडिटिंग हो चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, सब कुछ मैं ऐसे ही करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कैसा मेरा ब्लॉगिंग का सेटअप पूरा बन गया है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमारा ये फ़ोन है। और इसको मैं जो है अभी अगर मैं अल्ट्रा वाइड पे करूँ तो अभी मैं अल्ट्रा वाइड पे ये शूट कर रहा हूँ। और बाकी लोग हमारी वीडियो में बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भाई आप कौन से कैमरे से यूज़ करते हो, लेकिन कैमरा नहीं, हमारे ये स्मार्टफोन है। तो हमारे स्मार्टफोन से मैं अपना पूरा जो है पूरा काम करता हूँ यूट्यूब चैनल के लिए। ये डिजिटेक का मेरा ट्राईपॉड है, अगर मैं इसको कहीं भी टेक की अगर मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो मैं इससे ही बनाता हूँ, और काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड ये भी है, तो मैंने इसको पूरा सेटअप ये भी कर लिया है। फिलहाल मैंने आपको पूरा ब्लॉगिंग सेटअप आपको दिखा दिया, अब बारी आती है कि क्या क्या चीज़ हमें कितने का पड़ा है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे अपने फर्स्ट जो मैंने लिया था, ये ट्राईपॉड जो मैंने लिया था डिजिटेक का LW550, ये लगभग मुझे 1250 का मिला था, जो कि मैं ऑफ़र पर लिया था। M1 बाई माइक यहाँ पर मैंने लिया था, जो भी मैंने यहाँ पर कॉलर में लगा करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइक है, और ये लगभग मुझे 750 पड़ गया था। और ये जो माइक है ना बोया का M1 बाई माइक है, और इसका जो प्राइस है ये लगभग मुझे ऑफ़र मिल गया था 1100 का मिल गया था, अभी अगर आप देखेंगे ना 1400-1500 का इसका प्राइस हो गया है। जो इलवांजी का जो ट्राईपॉड है ये मुझे 1235 का मिल गया था, और अभी जो अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो लगभग 1400 हो गया है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है ना मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस मिल गए थे, इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। और ये सब मैंने जो भी कुछ ख़रीदा ना सब यूट्यूब के मनी से मैंने लिया है, कोई भी ऐसा मैंने अपना पर्सनल पैसा नहीं लगाया। फिलहाल अभी मैंने आपको पूरा सेटअप दिखा दिया, जो जो प्राइस मैंने लिया था सब मैंने आपको दिखा दिया। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारे ऐसे वीडियो पाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।